हाँ तो नहीं मंदिर चलो देख सकते हो, यहाँ पे पांडव रुके हुए थे, वो जगह पुरानी है ये। अच्छा नीचे नीचे हाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है भीम का पंजा। इसी लोकवाय का है कि यहाँ पे जो गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर आया है वो बिल्कुल पत्थरों के नीचे आया है, मतलब कि बिल्कुल गुप्त जगह है। जय बजरंगबली, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी हम जा रहे हैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो आप इस जगह तक कैसे आ सकते हो वो भी बताते हैं हम इस वीडियो में। तो ये पावागढ़ टू गोधरावाला हाईवे है, यहाँ पे मतलब पावागढ़ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर के अंतर में आपको रिछिया करके गांव नजर आएगा। उसी रिछिया गांव में आया हुआ है ये गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ से आपको दायने की तरफ मुड़ जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मतलब रिछिया करके बोर्ड देखने को मिलेगा। उसी बोर्ड से आप आगे 3 से 4 किलोमीटर आगे जाओगे, आपको देखने को मिलेगा ये गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर। तो चलते हैं अभी दर्शन करने के लिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं रिछिया गांव में और ये रास्ते के बगल में ही आया हुआ है श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पे एक दुकान भी है जहाँ से आप पूजा सामग्री का सारा सामान यहाँ से आप खरीद सकते हो। सामने आप देख सकते हो पत्थरों के बीच में आया हुआ है श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। तो चलते हैं अभी मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर मंदिर के नीचे ही बहुत सारे पेड़ आए हुए हैं, वहाँ पे आप अपनी बाइक या कार पार्क कर सकते हो, यहाँ पे पार्किंग का कोई भी चार्ज नहीं है। तो अभी गर्मियों का टाइम है तो यहाँ पे मतलब बहुत ही कम भक्तगण आते हैं, तो आप भी अगर पावागढ़ आते हो तो यहाँ पे ज़रूर से आना। यहाँ पे कुदरती सौंदर्य इतना भरपूर है, लेकिन अभी गर्मियों का टाइम है इसलिए सब कुछ सूख रखा है। यहाँ पे बारिश के टाइम पे अगर आप आओगे तो आपको कुदरती सौंदर्य भरपूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से सीढ़ी बनी हुई है मंदिर तक जाने के लिए। तो यहाँ पर मंदिर के अंदर जाने के लिए बिल्कुल ही पतला रास्ता बना हुआ है, आप अगर पहली बार आते हो तो आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा, लेकिन हमें यहाँ के जो पुजारी थे वो अंदर से आवाज दिया तब हम मंदिर तक पहुँच पाए। तो अगर आप भी आते हो यहाँ पर तो मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जरूर से जाना। हाँ तो नहीं मंदिर चलो बाबा बनावा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पांडव रुके हुए थे, वो जगह पुरानी है ये, और यहाँ पर है महादेव जी का मंदिर। तो ये पूरा बिल्कुल पत्थरों के नीचे आया हुआ है, देख सकते हो ऊपर आपको पूरे पत्थर ही देखने को मिलेंगे। तो यही है महाभारत कालीन समय की ये जगह। तो आप पावागढ़ आते हो तो ऐसी जगह पे आप जरूर से आना। देख सकते हो आप यहाँ पे पूरे चारों तरफ आपको पत्थर ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एक पत्थर आया हुआ है जिसके ऊपर पत्थर मारने से घंटनाद का रणकार आता है, ऐसी लोकवायिका है कि पांडव आरती के दौरान इसी पत्थर का यूज करते थे। तो चलते हैं वो ट्राई करने के लिए। अजी नीचे नीचे हाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है भीम का पंजा, मतलब यहाँ पे पांडव रुके थे उस टाइम की है ये जगह। और यहाँ पे देख सकते हो आप ये है भीम का पांव।
तो यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव जो मंदिर का नाम पड़ा है वो मतलब ऐसी लोकवायिका है कि यहाँ पे जो गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर आया है वो बिल्कुल पत्थरों के नीचे आया है, मतलब कि बिल्कुल गुप्त जगह है। तो इसी के नाम से मतलब इसका नाम पड़ गया गुप्तेश्वर महादेव। और यहाँ पर मंदिर के दाएं बाएं आपको बहुत सारे बंदर भी देखने को मिलेंगे। तो फाइनली यहाँ पे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो यहाँ पे करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन दबा देना। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जयगरी गुजरात, जय बजरंगबली। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे देख रहे हो तो हमारी फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो जरूर से कर लेना।